सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था थ्रेडिंग के नोमेनक्लेचर के बारे में, थ्रेडिंग किस किस प्रकार की होती है, कैसे कैसे होती है, चूड़ी होती है। आज मैं आपको लाया हूँ सीएनसी पे जी तैतीस साइकिल से थ्रेडिंग कैसे कटती है। उसके लिए मैंने आपको एक स्केच बनाया है बोल्ट का, जिसमें थ्रेडिंग साइज दे रखा है M30x1.5, एम मैट्रिक 30 mm की डायमीटर है और 1.5 पिच है। अब थ्रेडिंग में काटने के लिए अपन को चार चीज़ों की जरूरत है। पिछले मैंने आपको वीडियो में बताया था मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर और थ्रेड एंगल एंड पिच। चार चीज़ों की जरूरत है। यहाँ मेजर डायमीटर है 30 mm, माइनर डायमीटर है 28.5 और थ्रेडिंग एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि मैट्रिक थ्रेड है इसलिए 60 डिग्री और पिच है 1.5। अब मैं बात करता हूँ G33 थ्रेडिंग साइकिल फार्क और सीमेंट सिस्टम दोनों में कॉमन साइकिल है। एक G33 एक ऐसी साइकिल है जो सीमेंट्स और फार्क दोनों में कॉमन यूज होती है। तो अब हम सीमेंट्स और फार्क दोनों में ही एक G33 साइकिल से थ्रेडिंग काट सकते हैं। मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, आप अच्छे से समझें, देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मैं आपको बताता हूँ G33। सबसे पहले मैं टर्निंग डायमीटर टर्न करूँगा कंपोनेंट का, टूल प्रोग्राम नंबर ले लूँगा O120, इसका नाम भी डाल दूँगा बोल्ट M30, ठीक है। इसके बाद मशीन को होम पोजीशन में ले जाऊंगा, G28U0W0 होम पोजीशन, मशीन 8 होम पोजीशन। G28 कोड है दोस्तों होम पोजीशन में जाने का। इसके बाद मैं टूल नंबर सेलेक्ट करूंगा T0101, टूल है टर्निंग टूल। इसके बाद कटिंग स्पीड दूंगा G96S250M3 और मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड G92 से दूंगा S1200 दे देता हूं M3। ये फानुक है, अगर सीमेंट्स का होता तो जी देता लिमिट LIMS बराबर 1200, इतना फर्क है सीमेंट्स और फानुक में। उसके बाद मैं फेसिंग टूल से फेस करूंगा, टर्न करूंगा और ये निकल ले जाऊंगा। मैंने यहां से क्लैम कर रखा है कंपोनेंट को, क्लैम यहां पर रेस्ट। तो मैं सिर्फ चैम्फर तक बनाऊंगा इसको। 30 mm का ये है और ये डाया 60, चैम्फर है 1x45 degree, ठीक है दोस्तों। अब मैं चलता हूं प्रोग्राम के ऊपर, G0 G40 X TCA, मैं 32 पे खड़ा कर लेता हूं टूल को, Z0 फिर फेस करूंगा यहां तक X0 तक, 00 G01 X0 F0.2, फेसिंग कर लिया। फिर टूल को दूर हटाया, Z1 G0 X, यहाँ पे भी चैम्फर लगेगा 1.5 की पिच है तो कम से कम चैम्फर 1x45 degree होना चाहिए, 1.5 into 45 degree कंचैम्फर मस्ट है। उसके बाद मैं टूल को ऊपर ले जाऊंगा, एक्स कहाँ से चैम्फर स्टार्ट होगा, 30 minus 3 27, ठीक है दोस्तों, याद समझ में आगे। अब मैं आगे चलता हूं, फिर G01 G42, राइट कंपनसेशन लगेगा G42 एक्स
27Z0F0.2, इसके बाद चैम्फर G01X30Z-1.5 फील्ड 0.2, फिर G01Z-30mm टर्निंग लेंथ है Z-30F.2, फिर स्ट्रेट चले जाएंगे यहाँ तक, 1 का चैम्फर है 60 डायमीटर है, फिर G01X58F0.2, फिर G01X60Z-31, और फिर अपनी प्रोफाइल बन गई, पूरा टर्निंग हो गया। उसके बाद मैं टूल नोज रेडियस कंपोजिशन कैंसिल कर दूंगा, G0 G40 X65 ले लूंगा ऊपर, और G0 Z50, और फिर होम पोजीशन पर टूल को ले जाऊंगा G28 U0 W0 फानुक। अगर सीमेंस का सिस्टम होता तो यह G75 लगता, G75 X0 Z0, ये सीमेंस है। इतना ही फर्क दोस्तों, G28 फोनिक में डलता है, G75 सीमेंस में डलता है। इसके बाद मैं टूल नंबर लेता हूं 2, T2 सीक्वेंस नंबर डाल लेता हूं N2, T02 02 टूल नंबर 2, फिर लेता हूं थ्रेडिंग का टूल, 25-25 का टूल है राइट हैंड का, उसमें थ्रेडिंग फुल फॉर्म थ्रेडिंग इंसर्ट लगी है 1.5 इंच की। कैसे बढ़ाना, जी पहले तो कटिंग स्पीड यूज करनी, G96 S250 M3, फिर G92 मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड, मैं इसके लिए 1000 दे देता हूं M3। अब थ्रेडिंग के लिए G33 मेरे को यूज करना है, G33 बहुत इजी है यूज करना फानुक और सीमेंस में, आपको डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती प्लीज कमेंट में आप जरूर लिखें कि मेरे ये चीज समझ में आई, कृपया दोबारा बताइए या उसका सॉल्यूशन बताएं। G0X30 का साइज है, मैं 31mm पे टोल को खड़ा कर लेता हूँ, X31Z2 2mm पहले, ठीक है। फिर आ जाता हूं G0X पहला कट 29.5, पहला कट X29.5 पर ले लेता हूं, फिर मैं G33 यूज करूंगा साइकिल। एक छोटा सा सब प्रोग्राम बना देता हूं मैं इसके लिए, छोटा सा पॉकेट सब प्रोग्राम है O121, जिसमें डाटा होंगे G33 Z-30 और फीड होगी F1.5 G33 Z-33 और F1.5। फिर मैं ऊपर को टूल उठा लूंगा, इसमें G0X 2mm ऊपर उठा के 32, फिर G0Z2 और M99 डाल दूंगा। एक छोटा सा सब प्रोग्राम बना लिया मैंने O121 लगा के, मैं इसको यहां यूज कर लेता हूं सब प्रोग्राम को M98 P की फॉर्म में P121 लिखूंगा, बस इतना करना है आपको, ऑटोमेटिक साइकिल चल जाएगी, यहां ऑफ हो जाएगी। इसके बाद दूसरा डायमीटर डाल देता हूं, क्योंकि थ्रेडिंग एक बार में नहीं करती, एक पास में नहीं करती, उसके लिए 4-5 कट लेने पड़ते हैं, तब आपकी फिनिशिंग होगी थ्रेडिंग। P121, फिर X29 पे पहला कट, दूसरा कट सॉरी, M98 P121, इस तरह से यूज करना है।
आपने नोट कर लिया होगा, आप देख सकते हैं 1:1 में क्या क्या डाटा है, G33, Z-30, F1.5, G0X32 सपोर्ट उठा लिया, G0Z2 और M99 सब प्रोग्राम एंड। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, M98 1:1, फिर मैं डायमीटर माइनर डायमीटर अपना 28.5, मैं 0.33 का कट लूंगा। अब इसके बाद अदरवाइज इंसर्ट टूट सकती है, वियर हो सकती है बहुत जल्दी। इसके बाद आएगा, ये मिटा देता हूं, X29 पे पहले कट लिया था, X28.7 दूसरा कट, M98 P121 तीसरा कट, X28.5 M98 P121 और X28.5 M98 P121। दो कट मैंने सेम डायमीटर पे ले लिए ताकि थ्रेडिंग इंसर्ट बिल्कुल साफ सुथरी आए, स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं आए, बर नहीं आनी चाहिए, उसके लिए मैंने दो कट लिए। इसके बाद फिर मैं टूल को बाहर ले जाऊंगा, G0 G40 X50 और G0 Z50 और उसके बाद G28 होम पोजीशन में, U0 W0 M30। तो दोस्तों ये है G33 थ्रेडिंग साइकिल है, फानुक और सीमेंस में कॉमन है। सीमेंस के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि ये जो कमांड है फानुक का M98 P121, इसकी जगह मैं लिखूंगा L121, इतना ही चेंज होगा और L121 के ऊपर एक साइकिल बढ़ा देंगे सीमेंस में, जो कि होगी G33 Z-30 और K यूज करेंगे यहाँ पे K1.5, G0 X32, G0